हाँ जी, तो क्या हाल चाल? जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कमेंट सेक्शन से आपका कमेंट उठाकर वीडियो बनाता हूँ, तो इस बार मेरे पास कमेंट आया है कि गिरगिट अपना रंग अपने आप कैसे बदल लेता है और कितने टाइम में बदल सकता है। तो आज हम इसी बात पे वीडियो बनाएंगे। तो स्वागत है आपका एनालाइजर जितेंद्र यूट्यूब चैनल में। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि गिरगिट अपना रंग कभी भी बदल सकता है, अपनी लोकेशन के हिसाब से अपना कलर चेंज कर सकता है, जैसे कि हमें मूवीज़ और कार्टून्स में दिखाया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ है। तो सच ये है कि गिरगिट अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपने आसपास के टेम्परेचर के हिसाब से अपना कलर चेंज करता है, ना कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। उसकी कोई मर्ज़ी नहीं कि उसका कलर कैसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कभी भी अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही गिरगिट अपना कलर हमारे जैसे चेंज नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि उसका कलर कैसे और कब चेंज होता है। गिरगिट की बाहर वाली लेयर शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट होती हैं और उसके नीचे और भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि डिफरेंट कलर्स के सेल्स से बनी होती हैं। इन सभी लेयर्स में अलग अलग कलर्स होते हैं, किसी में ब्राउन, किसी में रेड, किसी में येलो, किसी में ब्लैक, और इन्हीं लेयर्स की हेल्प से गिरगिट अपना कलर चेंज करता है। जब ठंड होती है तो गिरगिट का कलर अपने आप येलो कलर में बदल जाता है, और जब गर्मी आती है तो वो अपने आप रेड कलर में चेंज हो जाता है। जब दो गिरगिट लड़ाई कर रहे होते हैं तो उनमें गुस्सा आता है तो उनका कलर अपने आप ब्लैक हो जाता है ताकि वो डरावने दिखें, और जब एक गिरगिट डर जाता है तो इसका कलर अपने आप येलोइश कलर में बदल जाता है। तो गिरगिट अपना कलर कैसे चेंज करता है ये आपको पता चल गया होगा। और अगर आप ऐसे ही साइंस वीडियोस देखना चाहते हो और आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, उसका रिप्लाई मैं खुद करूँगा और एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबडी एंड बाय।